असलम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ड्रामा सीरियल सियानी जहां सभी ऑडियंस इसके लास्ट एपिसोड का वेट कर रही थी वहीं पर ये ड्रामा फिर से इंटरेस्टिंग हो गया बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगे इस ड्रामे में

आपको खाने चाय या कपड़ों के अलावा कोई बात नहीं आती क्या आशा घबरा जाती है और पूछने लगी क्या हुआ कोई गलती होगी क्या मुझसे ऐसे में जरबाब थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है नहीं जनाब आपसे तो कोई गलती नहीं हुई लेकिन हमें लगता है कि हमें अपने शोहर होने के थोड़े से प्राइस अंजाम दे देने चाहिए आशा परेशान होकर पूछती है क्या मतलब है आपका ऐसे में जरबाब मुस्कुरा कर कहता है आप तैयार हो जाइए आज हम डिनर बाहर करेंगे और आपको कुछ शॉपिंग भी करवाऊंगा आयशा बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी तैयार होने लगती है दूसरी तरफ मायरा ने पूरी तरह सियाने किरण को अपने जाल में फंसा ही लिया अपना भाई तो इसके लिए पेश कर ही दिया अब भाई के कसीदे भी इसके सामने पड़ने लगती है कहने लगती मेरा भाई तो बहुत अच्छा है लेकिन क्या है ना कि आजकल तुम्हारा बहुत हया रखता है तुम्हारी बहुत हमदर्दी करता है किरण पूछ लेती है क्यों क्या कहते हैं मेरे बारे में इब्राल ऐसे में बहन और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर उसको बताती है तुम्हारे उठने जागने की फ़िक्र करता है तुम्हारे सोने की तुम्हारे खाने की फिक्र करता है सब कुछ पूछता रहता है मेरे से किरण तो बहुत खुश हो जाती है ऐसी खुशी के आलम में उसकी नज़र मॉल में चलते फिरते जरबाब और उसकी बीवी आयशा पर पड़ती है जो बहुत खुश हैं शॉपिंग कर रहे हैं और हो सकता है जरबाब की नज़र भी किरण पर पड़ गई है तभी तो जरबाब आशा को शॉपिंग करवाता है और साथ सेल्फीज़ भी बनवाता है और बहुत ज़्यादा खुश होने का ड्रामा करता है ये सब कुछ किरण देख रही है जो उसे ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता बड़ा ज़रबाब मेरे अलावा किसी के साथ इतना ज़्यादा खुश कैसे हो सकते हैं वैसे ज़रबाब इसके साथ तो कभी भी खुश नहीं रहता था लेकिन आज आशा के साथ इतना खुश देख कर वह तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसने जरबाब को कभी कोई ख़ुशी दी ही नहीं तभी उसने जरबाब को कभी इतना मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं दूसरी तरफ मायरा किरण और इब्रार अब खाने पर हैं पास से मायरा वॉशरूम के बहाने उठकर चली जाती है ताकि इब्रार किरण को अच्छे तरीके से प्रपोज कर सके ऐसे में इब्रार किरण से कह ही देता है आपकी ज़िंदगी देखकर मुझे बहुत दुख होता है मेरी जिंदगी भी तो ऐसे बिल्कुल अकेली है किरण कहने लगी नहीं अब मुझे रिश्तों से या जिंदगी आगे बढ़ाने से डर लगता है शादी से डर लगने लगा है अब्रार उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है आप एक दफ़ा आगे बढ़कर तो देखें मैं आपका हाथ थाम लूँगा मैं आपसे शादी कर लूँगा ऐसे में किरण परेशान होकर इब्रार की तरफ देखती है और सोचने लगी क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं ऐसे ही वो उससे भी सोचने का टाइम ले लेती है और इब्रार उसे खुशी खुशी टाइम दे देता है क्योंकि वो जानता है कि फैसला तो मेरे ही हक में होगा घर आकर जरबाब बहुत परेशान है क्योंकि उसने किरण को किसी लड़के के साथ देख लिया है और दूसरी तरफ किरण भी बहुत परेशान है अब वो सोचने लगी है कि जब जरबाब अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सकता है इतना खुश रह सकता है मुझे याद भी नहीं करता तो मुझे भी पूरा हक़ है कि मैं इब्रार के साथ शादी कर लूँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ ऐसे में बहुत मुमकिन है कि वो बहुत जल्द इब्रार को हाँ करने वाली है जैसे ही वो हाँ करेगी उसका बुरा वक्त फिर से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इब्रार या उसकी फैमिली तो उसके साथ सिंसे नहीं है आखिरकार ये इब्रार को हाँ करेगी और इनकी शादी भी हो जाएगी बहुत जल्द हमें इनकी शादी भी देखने को मिलेगी लेकिन उसके बाद इसको पता चलेगा शोहर क्या होता है ससुराल क्या होते हैं और ससुराल का झंझट क्या होता है इस सियानी किरण को तो कभी कुछ पता ही नहीं था लेकिन अब जाकर इस आटे दाल का भाव पता चलने वाला है फ्रेंड्स आप क्या चाहते हैं कि क्या किरण का इतना सबक ही उसके लिए काफ़ी था आप जो नई जिंदगी शुरू करने जा रही है इसमें खुशियाँ ही खुशियां होनी चाहिए या इसको मजीद सज़ा कोई मिलनी चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मज़ीद वीडियोज़ तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा हाफिज़